जय हिंद। हेल्थ रक्षा से मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के इस वीडियो में मैं पतंजलि के बंधानी हींग का रिव्यू लेकर आई हूं। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में अवेलेबल है, 6 पैकेट का सेट था वो, और इस तरह के सिंगल भी मिलते हैं। इसका वेट है 25 ग्राम और प्राइस है 40 रुपीज़, और ये एक 10 ग्राम के पैकेट में भी आती है जिसकी प्राइस है 20 रुपीज़। ये पतंजलि की बंधानी ऑर्गेनिक हींग अपनी गुणवत्ता और मजबूत सुगंध के लिए पहचानी जाती है। हींग किसी भी भोजन के स्वाद को बढ़ाने में काम आता है और साथ ही साथ इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कब्ज को रोकता है, साथ ही साथ नर्वस डिसऑर्डर को भी कंट्रोल करता है। और यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, ये खाद्य अनाज अरबी गोंद और हींग तीनों से मिक्स होके बना है। और अगर आप सीमित मात्रा में हींग का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कई सारे हेल्थ बेनिफिट तो देगा बट कोई भी नुकसान नहीं करेगा। और इसकी सेल्फ लाइफ है 18 मंथ आफ्टर पैकेजिंग। ये 18th मंथ इसकी सेल्फ लाइफ है। और अंदर से चलिए देखते हैं ये कैसा है। पैकेजिंग कुछ इस टाइप की होती है और मैंने इसे पहली बार अभी ओपन किया है। ये इस तरह से दानेदार हींग है इसमें और स्मेल काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसका। इसमें कुछ सीरियल्स भी हैं, गोंद है और हींग है। ये थोड़ा बहुत दानेदार में है जो कि अच्छा है। अगर ठोस होता है बिल्कुल से तो उसको डालने के लिए किसी भी खाने में उसको थोड़ा सा क्रश करना होता है या फिर पानी में डाल के घोल के फिर डालना होता है, और या फिर बहुत ही ज़्यादा महीन जो होता है एकदम बारीक सा तो उसमें भी उतना ज़्यादा अरोमा नहीं बच जाता। पर ये थोड़ा थोड़ा दानेदार है, अरोमा काफ़ी ज़्यादा है इसमें। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, एयर टाइट ढक्कन है इसका, अच्छे से एयर टाइट हो जाता है। और परचेज करने का के बाद यानी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके बाद 18 मंथ के अंदर ही इसको कंज्यूम करना है। इसका सेल्फ लाइफ 18 मंथ का दिया गया है। और ये वाली जो है ये 25 ग्राम की है और इसकी प्राइस है 40 रुपीज़, बट यही एक आपको यहाँ पे छोटी वाली भी मिल रही थी जो कि 10 ग्राम कैपेसिटी की है और उसकी प्राइस है 20 रुपीज़। तो खाने में इसको एज अ तड़का यूज़ कर सकते हो, दाल वगैरह में या सब्जी में जब छौंक लगाते हैं तब इसको थोड़ा सा डाला जा सकता है। इसको डालने से खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है और वो पचने में काफ़ी सहायक होती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय भारतीय।